यहाँ पे बहुत लोग आना भी चाहती है, बहुत सारी कंपनियां चाइना से जो बाहर निकलना चाहती है और बाहर अपना सेटअप करना चाहती है, चाइना से परेशान हो चुकी है, वो इंडिया में आना भी चाहती है। लेकिन दोस्तों हमारे देश का प्रॉब्लम कुछ और है दोस्तों, ये हमारा प्यारा देश है, उसका प्रॉब्लम मालूम है क्या है? यहाँ पे दोस्तों जब कंपनियाँ आती है इन्वेस्टमेंट लेकर, जब यहाँ पे आती है इन्वेस्टमेंट लेकर, तो इन्वेस्टमेंट लेकर आती है, साथ ही साथ वो चाहती है कि हमें जल्द से जल्द बिजनेस करने का मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में कुछ जगह ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो जब जाते हैं ज़मीन खरीदने, जब जाते हैं ज़मीन अधिग्रहण करने, लैंड एक्विजिशन करने, तो वहाँ पे 100 लोग में से अगर 100 लोग का ज़मीन है तो उसमें से 80 लोग बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन 20% लोग नहीं बेचने के तैयार होते हैं, तो वो कोर्ट में चला जाता है मुद्दा। और कोर्ट में गया तो आपको पता ही है कितना टाइम लगता है कोर्ट में सॉल्व होने के लिए। तो यही कंपनियों का डर रहता है कि हम आपके पास इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, हमें टाइम भी देना पड़ेगा, तो यही कंपनियों को पसंद नहीं आता है। दोस्तों यहाँ कमी हमारे सिस्टम के अंदर है, जो हम रूल्स रेगुलेशन बना के रखे हैं किताबों में, कॉपी और पेन में, उसे ज़मीनी हकीकत में उतारना पड़ेगा दोस्तों, तो ही कंपनी हमारे पास आएंगी और हमारे पास काम करेंगी और हमें बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ही रिक्वेस्ट है कि जैसे सीएम योगी और गुजरात के सीएम रूपानी ने आगे आके बोला है कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी कंपनी आती है तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ज़मीन मुहैया करवानी है, ये नहीं कि किसी भी कानूनी पछड़े में फंसना है। जल्द से जल्द जितना ज़मीन आप देंगे उतना जल्दी काम चालू होगा, उतना जल्दी लोगों को रोज़गार मिलेगा दोस्तों। दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।